कुछ सिपाहियों विशेष रूप से 11वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से ने विद्रोह में शामिल होने से पहले भरोसेमंद ब्रिटिश अधिकारियों और महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। 77 कुछ अधिकारी और उनके परिवार रामपुर भाग गए, जहां उन्हें नवाब के पास शरण मिली। ब्रिटिश इतिहासकार फिलिप मेसन ने लिखा है कि यह अपरिहार्य था कि मेरठ से अधिकांश सिपाही और सरदार 10 मई की रात को दिल्ली के लिए निकल पड़े। ये केवल 40 मील की दूरी पर स्थित एक मजबूत दीवार वाला शहर था। ये नामात्र मुगल सम्राट की प्राचीन राजधानी और वर्तमान सीट थी और अंत में मेरठ के विपरीत वहाँ कोई ब्रिटिश सैनिक नहीं था। उनका पीछा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। 11 मई की सुबह तीसरी कैवलरी की पहली टुकड़ियां दिल्ली पहुंची। महल में सम्राट के अपार्टमेंट की खिड़कियों के नीचे से उन्होंने बहादुर शाह द्वितीय को उन्हें स्वीकार करने और उनका नेतृत्व करने के लिए कहा। इस बिंदु पर उन्होंने कुछ नहीं किया। जाहिर तौर पर सिपाहियों को साधारण याचिकाकर्ताओं के रूप में माना, लेकिन महल में अन्य लोग विद्रोह में शामिल होने के लिए तत्पर थे। दिन के दौरान विद्रोह फैल गया। ब्रिटिश अधिकारियों और आश्रितों, भारतीय ईसाइयों और शहर के भीतर दुकानदारों को मार दिया गया, कुछ सिपाहियों द्वारा और अन्य दंगाइयों की भीड़ द्वारा। शहर में या उसके आसपास बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 3 बटालियन आकार की रेजिमेंट तैनात थी। कुछ टुकड़ियां जल्दी ही विद्रोह में शामिल हो गईं, जबकि अन्य पीछे हट गईं, लेकिन विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेशों का पालन करने से भी इनकार कर दिया। दोपहर में शहर में एक हिंसक विस्फोट कई मील तक सुना गया। इस डर से कि शस्त्रागार, जिसमें हथियारों और गोला बारूद का बड़ा भंडार था, विद्रोहियों के हाथों में आ जाएगा, वहां मौजूद 9 ब्रिटिश आयुक्त अधिकारियों ने सिपाहियों पर गोलियां चला दी, जिनमें उनके अपने गार्ड के लोग भी शामिल थे। जब प्रतिरोध निराशाजनक लगा तो उन्होंने शस्त्रागार को उड़ा दिया। 9 अधिकारियों में से 6 बच गए, लेकिन विस्फोट में सड़कों और आसपास के घरों और अन्य इमारतों में कई लोग मारे गए। 79 इन घटनाओं की खबर ने आखिरकार दिल्ली के आसपास तैनात सिपाहियों को खुले विद्रोह के लिए उकसाया। सिपाही बाद में शस्त्रागार से कम कुछ हथियार बचाने में सक्षम थे और दिल्ली के बाहर 2 मील 3 किलोमीटर 1.9 मील की दूरी पर एक पत्रिका, जिसमें 3000 बैरल बारूद था, बिना किसी प्रतिरोध के कब्जा कर लिया गया। कई भगोड़े ब्रिटिश अधिकारी और नागरिक दिल्ली के उत्तर में रिज पर फ्लैगस्टाफ टावर पर एकत्र हुए थे, जहां टेलीग्राफ ऑपरेटर अन्य ब्रिटिश स्टेशनों को घटनाओं की खबर भेज रहे थे। जब ये स्पष्ट हो गया कि मेरठ से अपेक्षित मदद नहीं मिल रही है, तो वे गाड़ियों में बैठकर करनाल की ओर चल पड़े। जो लोग मुख्य दल से अलग हो गए या जो फ्लैगस्टाफ टावर तक नहीं पहुंच पाए, वे भी पैदल ही करनाल के लिए निकल पड़े। कुछ लोगों को रास्ते में ग्रामीणों ने मदद की, अन्य मारे गए। अगले दिन बहादुर शाह ने कई वर्षों के बाद अपना पहला औपचारिक दरबार लगाया। इसमें कई उत्साहित सिपाही शामिल हुए। घटनाओं के इस मोड़ से सम्राट चिंतित था, लेकिन अंततः उसने सिपाहियों की निष्ठा स्वीकार कर ली और विद्रोह को अपना समर्थन देने के लिए सहमत हो गया। 16 मई को महल में बंदी बनाए गए या शहर में छिपे पाए गए 50 से अधिक अंग्रेजों को महल के बाहर एक आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे सम्राट के कुछ सेवकों ने मार डाला। मेरठ और दिल्ली की घटनाओं की खबर तेजी से फैली, जिससे सिपाहियों में विद्रोह भड़क उठा और कई जिलों में अशांति फैल गई। कई मामलों में ये ब्रिटिश सैन्य और नागरिक अधिकारियों का खुद का व्यवहार था, जिसने अव्यवस्था को बढ़ावा दिया। दिल्ली के पतन की खबर सुनकर कई कंपनी प्रशासकों ने खुद को, अपने परिवारों और नौकरों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की जल्दी की। दिल्ली से 160 मील 260 किलोमीटर दूर आगरा में कम से कम 6000 गैर लड़ाकू लोग किले पर एकत्र हुए। सैन्य अधिकारियों ने भी असंगत तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ अधिकारियों ने अपने सिपाहियों पर भरोसा किया, लेकिन अन्य ने संभावित विद्रोह को रोकने के लिए उन्हें निरस्त करने की कोशिश की। बनारस और इलाहाबाद में निरस्त्रीकरण में गड़बड़ी हुई, जिससे स्थानीय विद्रोह भी भड़क उठे। 1857 में बंगाल आर्मी में 86,000 लोग थे, जिनमें से 12,000 ब्रिटिश, 16,000 सिख और 1,500 गोरखा थे। भारत में कुल मिलाकर 311,000